कांकेर जिले के परलकोट में नकली बीज बेचने का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल परलकोट के किसानों के द्वारा कोलम गोल्ड धान का बीज दुकानों से खरीद कर बरसात में लगाया गया था, जिससे बीज अनुरूप फसल तो नहीं आ पाई मगर किसानों के कई हेक्टेयर फसलों का नुकसान हो गया। ये धान बीज खराब है, पूरा खराब हो गया, दो पैकेट पूरा खराब हो गया। कंपनी से भरपाई करने के लिए मांग करता हूँ। अरे वो कोलम गोल्ड प्लस धान लगाया, पूरा खराब हो गया। कैसे लिए थे? कौन से दुकान से? वो चूरन रुपए का दुकान से। वो धान का कंपनी पूरा बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। हमारा बीवी बच्चा को क्या खिलाएंगे जो अगर धान अच्छा नहीं हुआ तो? हाँ, कर्जा लेके क्या, अभी कैसे दूंगा? देना पड़ेगा भरपाई, नहीं तो फिर हम लोग सब सड़क पे आ जाएंगे, मरने के कगार पे आ जाएंगे हम लोग। खराब बीज की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस पर किसानों ने बीज कंपनी पर आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। कहा कि हम किसानों को नकली बीज दिया गया, जिसके कारण हमारी फसलें खराब हो गई। आपको बता दें कि किसानों के द्वारा इसकी शिकायत कृषि अधिकारियों से भी की गई, इसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। हमें जहाँ भी शिकायत मिल रही है वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा, हमने एक दो दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई करी। जब भी शिकायतें मिलेंगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोलम गोल्ड के कंपनी के कर्मचारियों से इस विषय पर जब जानकारी मांगी गई तब वह बचते नजर आए। आखिरकार विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर विषय का ध्यान अपनी तरफ क्यों आकर्षित नहीं होने दे रहे? किसानों के लिए ये चिंता का विषय बनता जा रहा है और अधिकारी अपने दफ्तर में मस्त हैं। TCB 24 के लिए कांकेर से मिथुन मंडल की रिपोर्ट।